दर्शन रावल अहमदाबाद गुजरात का लड़का आज लाखों दिलों की धड़कन है। इसने बचपन में स्कूल में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सिंगर बनूंगा। उनके पापा श्योर नहीं थे लेकिन दर्शन बिल्कुल श्योर था इस करियर को लेके। तो बचपन से कैसे कैसे आगे बढ़ी दर्शन की कहानी, उस कहानी में कौन से मोड़ आए, कौन सा वो कॉल था जो अगर दर्शन मिस कर देता तो वो शायद आज इस मुकाम पर नहीं होता, कौन से वो मौके थे जिसमें दर्शन ने खुद की टैलेंट को प्रूव किया, मुंबई की स्ट्रगल कैसी रही और आज दर्शन कैसे काम करते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। ये वीडियो इसलिए है कि आप में से जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनको मोटिवेशन मिले, वो लोग खुद को ये कह पाए कि एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा, बस कुछ कदम और चलना है। तो शुरू करते हैं आज की बात। दर्शन रावल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 18 अक्टूबर 1994 को एक हिंदू परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम राजेंद्र रावल जो एक राइटर है और माताजी का नाम राजल रावल जो हाउसवाइफ थे। दर्शन की स्कूल की पढ़ाई अहमदाबाद से ही हुई है और बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थे दर्शन, तो इसलिए घर पर बहुत कंप्लेंट्स आया करती थी। कई बार स्कूल से निकाल भी दिया जाता था, क्लास से तो बार बार निकाल दिया जाता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों को पूछा कि सब लोग एक एक करके बताओ कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो सब ने कुछ ना कुछ कहा। दर्शन ने भी कहा कि मैं सिंगर बनूंगा। एक लड़के ने कहा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। जब टीचर ने उस लड़के को पूछा कि अच्छा तो तुम सचिन तेंदुलकर से भी अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे, तो उस लड़के ने अपना हाथ नीचे कर दिया। लेकिन जब टीचर ने दर्शन को पूछा कि क्या तू किशोर कुमार से अच्छा सिंगर बन पाएगा, तब उस छोटे से दर्शन ने अपना हाथ नीचे नहीं किया था। कहना यह चाहता हूं कि उस एज में उस छोटे से बच्चे के दिमाग में पूरा क्लियर था कि मुझे बनना तो सिंगर ही है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं कि यही क्लैरिटी आप भी अपनी लाइफ में लेके आओ। अरे पता तो होना चाहिए यार कि क्यों जी रहे हो, क्या मकसद है, कहाँ जाना है। ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आंखें बंद करके चलने का कोई मतलब नहीं है दोस्त, तो क्लैरिटी लेके आओ यार। दर्शन के पापा राइटर हैं, तो उनसे इंस्पायर होके दर्शन ने बचपन में ही पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था। फिर आगे चल के अपनी ही पोएम्स को कंपोज करने लगे, फिर अपनी पोएम्स को गाने का मन हुआ तो फिर सिंगिंग शुरू किया, तो ऐसे शुरुआत हुई सिंगिंग की। स्कूल में इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया करते थे, खास करके ग्रुप सिंगिंग में, तो उन्हें सबसे पीछे खड़ा रखा जाता था, तो लोगों का फोकस उनके ऊपर रहे ये सोच के दर्शन जोर जोर से गाने की कोशिश करते थे, इसलिए उनको ग्रुप से भी निकाल दिया जाता था। पढ़ाई की बात करें तो भाई को पहले से इंटरेस्ट था ही नहीं, जैसे तैसे करके इंजीनियरिंग तक तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर भी पेपर लीक करने के चक्कर में उनको कॉलेज से ही निकाल दिया गया। उसके बाद उनके पापा ने उनको स्ट्रिक्टली पूछा कि दर्शन बेटा क्यों कर रहे हो ये सब। दर्शन ने हर बार की तरह कहा कि पापा मुझे नहीं करना है इंजीनियरिंग, मैं म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ। उनकी माँ को वैसे दर्शन के इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पापा का कहना था कि बेटा ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है और कौन चांस देगा तुझे बॉलीवुड में, ये बता पहले। तो दर्शन कहते थे कि अगर कोई चांस नहीं देगा पापा तब भी मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर और आगे भी कर लूँगा। उस टाइम पर दर्शन बॉलीवुड के कवर सॉन्ग्स वगैरह गा के यूट्यूब पर रखते थे और लोग बहुत पसंद भी करते थे, फैन फॉलोइंग काफ़ी उस टाइम पे भी बढ़ गया था और इसके लिए उनको शोज इवेंट सब कुछ मिलना शुरू हो गया था, तो फिर पैसे आना भी शुरू हो गए थे शोज़ के, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं ये तो कर ही रहा हूँ, पैसे भी आ रहा है, नाम भी हो रहा है और मैं इस काम को उस लेवल तक ले जा सकता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है पापा। तो कॉलेज छोड़ने के बाद घर में 6-7 महीनों तक तनाव वाला माहौल रहा, लेकिन फिर भी पापा ने हाँ नहीं कहा तो नहीं कहा। तो दर्शन ने शोज वगैरह करके पैसे इकट्ठा किए और घर वालों को कहा कि मैं तुम लोगों को यूएस घुमाने ले जाऊंगा अपने दम पे। तो यूएस जाने की तैयारी चल रही थी और एक दो दिन पहले मुंबई से कॉल आया कि एक रियलिटी शो है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहे तो। दर्शन ने कहा कि मुझे रियलिटी शोज पसंद नहीं है तो मैं पार्ट नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सामने से कहा गया कि एक बार और सोच लो दर्शन, इस शो में आप अपना गाना भी गा सकते हो। तो दर्शन को लगा कि ये कुछ अलग हो सकता है, तो उन्होंने घर पर ही एक वीडियो बनाया और उनको बेच दिया, ये सोच के कि अगर सिलेक्ट हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अपना जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है। फैमिली के साथ उसके बाद वो यूएस चले गए, 3.5 महीने वहाँ पर रहने वाले थे। तो उस ऑडिशन के 2 महीने के बाद उनको फिर से कॉल आया कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, तो एक बार मुंबई आके ऑडिशन दे दो। तभी उनके पापा ने कहा कि बेटा अब तू
उस ऑडिशन के लिए यूएस से मुंबई जाएगा, कितने लोग आए होंगे तेरे को अंदाजा है वहां पे? दर्शन ने सोचा कि हाँ चांसेस बहुत ही कम है सिलेक्शन के, मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन अगर मैं सिलेक्ट हो गया और मुझे कुछ सेकंड्स के लिए ही टीवी पर आने का मौका मिल गया तो मैं जानता हूं कि मुझे आगे करना क्या है। तो उस एक ऑडिशन के लिए अपनी यूएस ट्रिप को छोड़ के दर्शन पहुंच गए मुंबई, ऑडिशन दिया, सिलेक्ट भी हो गए। जैसे जैसे राउंड्स क्लियर होते गए कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, टीवी पर आने का भी मौका मिला। अब 10 लोग बचे, 10 ने सोचा कि अगर मैं 9th रैंक पर भी आ जाता हूं तो अपने लिए इतना बहुत है। लेकिन लोगों ने दर्शन की आवाज को, उनके अंदाज को बहुत पसंद किया और 9 एपिसोड तक दर्शन को फर्स्ट रैंक पर रखा। तब उनके पापा को भरोसा हुआ कि नहीं, तुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए बेटा। सी, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के सपनों के खिलाफ नहीं होते हैं, उन्हें डर लगता है बस कि मेरा बेटा या बेटी कोई अनजान रास्ता चुन के वक्त बर्बाद ना कर दे। वो केयर करते हैं आपकी, उनके बच्चों की, सिर्फ इसलिए कहते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई सीन है, सी मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं करना कुछ और चाहता हूँ लेकिन मेरे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, तो आप कैसे मनाओगे ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि अपने माँ बाप को इस रीज़न से दुश्मन मत मान लो अपना। उनकी जगह पर खड़े रह के सोचो, देखो वो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए ये सब कर रहे हैं, आपके डिसीजन से डरते हैं, है ना। पर सिर्फ एक चीज़ की वजह से, सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप ये मत समझ लो कि उनको पढ़ी नहीं है मेरी, उनको मेरी तरक्की से प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या क्या, ऐसा मत सोचो यार, प्लीज़ यार ऐसा मत सोचो। जो प्रॉब्लम है आराम से सॉल्व करो, बैठो मिलो उनसे कि पापा क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आप ना बोल रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश करो, हो जाएगा। तो दर्शन उस शो में रनर अप हुए, शो का नाम है इंडिया रॉस्टर, आपको अब याद आ गया होगा। उस शो को पूरा होने के बाद दर्शन को लगा कि अब तो पूरा इंडिया मुझे जानता है, इंडस्ट्री मुझे जानती है, सबको मेरी आवाज़ पसंद भी है। जो म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर्स वगैरह शो में आए थे उनमें से काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि शो के बाद मुझे मिलना, हम लोग कुछ करेंगे बड़ा। तो दर्शन ने सोचा था कि शो पूरा होने के बाद अपने लिए बॉलीवुड के 15-20 गाने तो रेडी होंगे और करियर सेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब दर्शन ने उन म्यूजिक डायरेक्टर्स को मिलने के लिए गए वहाँ पर उनके स्टूडियोज़ के बाहर, तो उनको कहा गया कि सर अभी नहीं है, बाहर है, बिजी है वगैरह वगैरह। तो 2-3 महीने तक ऐसा स्टूडियो को चक्कर लगाने में वक्त बर्बाद हुआ, दर्शन डीमोटिवेट भी होने लगे थे। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब वापस चले जाऊँगा अहमदाबाद और जो पहले करता था वही कंटिन्यू करूँगा थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि घर वाले बार बार पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ बता नहीं रहा है बेटा तू कहाँ तक पहुँचा, तू ठीक तो है ना। इन महीनों में दर्शन ने बहुत लोगों के लिए स्क्रैचेस भी गाए थे लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा था। अब स्क्रैच क्या होता है ये मैंने आपको जुबिन वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, देख लेना आप। तो दर्शन ने वापस जाने से पहले लास्ट कॉल हिमेश रेशमिया जी को करने का सोचा, क्योंकि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली, बड़े स्ट्रांगली कहा था कि तुझे मैं गाना दूंगा। तो हिमेश जी को दर्शन ने कॉल किया, बताया कि सर मैं दर्शन रावल सर शो में था ना सर, पहचाना? तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ 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 दर्शन भाई, तू एक काम करो, तू कल शाम को 5:30 बजे स्टूडियो आ जा। इतना कह के फ़ोन काट दिया। दर्शन दूसरे दिन गए स्टूडियो में, हिमेश जी ने कहा कि ऊपर एक सॉन्ग का रिकॉर्डिंग चल रहा है, जाओ सुन लो 4-5 बार और डब कर लो। तो दर्शन ने बिना कोई सवाल किए गए और 4-5 लाइन जो थी वो गा ली। उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि ये लाइंस किस फिल्म की है, किस प्रोजेक्ट की है और मैं फाइनल गा रहा हूँ या फिर ऐसे ही लाइक स्क्रैच। लेकिन 9 महीने के बाद उन्हें पता चला कि वो उनका डेब्यू था प्रेम रतन धन पायो में, सलमान खान की फिल्म में। उस दिन 4 लाइन गाने के बाद हिमेश जी के साथ दर्शन का ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो गया था, तो हिमेश जी ने और भी काम दिया दर्शन को। दर्शन ने जो घर वापस जाने का फैसला था वो बदल दिया था और बस काम करना, मोटिवेट हो गए थे, काम करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे धीरे 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 करके करियर सेट होता गया, काम आता गया, दर्शन अपना बेस्ट देते गए और आज बॉलीवुड में गाते हैं, प्लस अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी बनाते हैं। वैसे दर्शन को आज फिल्में भी काफ़ी ऑफर होती है लेकिन वो अभी एक्टिंग नहीं करना चाहते, एक्टिंग फिल्म में नहीं आना चाहते पूरी तरीके से, क्योंकि वो बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ साथ अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी बनाते हैं जैसे मैंने बताया। तो उनका कहना है कि मेरा काफ़ी टाइम और हार्डवर्क इसमें चला जाता है और अभी वो पूरा फोकस म्यूजिक पे ही करना चाहते हैं। हाँ, उनके म्यूजिक वीडियोज़ के अंदर वो एक्टिंग कर लेते हैं। वैसे एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं दर्शन के बारे में, दर्शन को बहुत सारे सॉन्ग्स आज ऑफर होते हैं लेकिन वो सारे सॉन्ग्स नहीं करते हैं, सीधा मना नहीं करते हैं, लेकिन मेकिंग प्रोसेस में कहीं पर भी उनको लगे कि ये गाना मेरे लिए नहीं है, मेरी वॉइस सूट नहीं कर रही है या मेरी सोल इस गाने से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, जो सिर्फ करने के लिए पैसे के लिए सॉन्ग्स नहीं करते हैं,
प्यार से कहते थे कि सर आप ये सॉन्ग किसी और सिंगर से गवा लीजिए, सॉन्ग आपका बहुत अच्छा है लेकिन मेरी आवाज़ इस सॉन्ग के लिए अच्छी नहीं है। अब कुछ लोगों को ये बात दर्शन का ईगो लगती है, एटीट्यूड लगती है, और कुछ लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। दर्शन इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो जो भी करना चाहते हैं 100% देना चाहते हैं, पूरे दिल से करना चाहते हैं, आधा अधूरा नहीं करना चाहते, और इसी बात को आप उनका सक्सेस सीक्रेट भी कह सकते हो। पूरे वीडियो को एक लाइन में समराइज कर रहा हूं, दोस्त आज आप जो भी काम कर रहे हो, जिस टारगेट के लिए काम कर रहे हो, जिस सपने के लिए काम कर रहे हो, बस करते जाओ, आपका दिन भी जरूर से आएगा। और जब तक वो दिन नहीं आता है क्विट नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। बस आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा। अगर मेरे लिए कोई डायरेक्ट मैसेज है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हो, इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आता है या किसी और की ज़िंदगी में आ सकता है ऐसा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून यार, बाय।